हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल अकरम फैशन डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पैंट। दोस्तों, पैंट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे और पैंट की कटिंग करने के लिए हमारे पास जो कपड़ा है दोस्तों, यह है 2.25 मीटर का। ये देखिए, पूरा कपड़ा है 2.25 मीटर का। और दोस्तों, पैंट बनाने के लिए हम यहाँ से देखिए, ये दो किनारे हैं हमारी, इन दोनों को आपस में इस तरीके से पकड़ लेंगे और इस तरह से पकड़ने के बाद यहाँ से इन दोनों कपड़ों को हम आपस में इस तरीके से मिला लेंगे और ये जो हमारा कपड़ा है हम इसको इस तरह से बिछा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चारों किनारों को एक साथ बिछा लिया है और यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है चार लेयर हमने इसको कर लिया है। इस तरीके से इसको बिछाने के बाद हम यहाँ पर इसका मेजरमेंट आपको बताते हैं। दोस्तों, जो हमारा पैंट है इसकी लंबाई है 37 इंच की और इसकी 35 इंच की कमर है, 26 इंच की थाई है और 12 इंच की इसकी मोरी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मेजरमेंट है और इसी मेजरमेंट से आज हम इस पैंट को बनाएंगे। दोस्तों, जिन लोगों को पैंटों में खिंचाव आता है, आज की कटिंग हमारी सिर्फ उन लोगों के लिए है और जो इस चीज़ से परेशान है उनकी परेशानी आज की वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखना है और एक एक टिप्स को बहुत बारीकी से समझना है। तो देखिए, यहाँ पर एक छोटा बड़ा कपड़ा है और जो धागे निकले हुए हैं, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से दोस्तों, ये नीचे से कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम 2.5 इंच पर और निशान लगाएंगे और ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे और अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो हमारी लंबाई हुई 37 इंच की, 37 यहाँ पर हम इसमें देखिए हमारा 37 यहाँ पर आ जाएगा। जो हमने नीचे लाइन खींची है यहाँ पर फिक्स हम रख लेंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ से 1 इंच छोड़ते हुए एक निशान लगा देंगे यहाँ पर। ये देखिए, ऊपर से यहाँ पर हमारा इंच फिक्स है, उसके बाद हमने यहाँ पर 1 इंच छोड़ा है और उसके बाद निशान लगाया है। तो दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद हम दूसरा निशान लगाएंगे, जो यहाँ से लगाएंगे 11.5 इंच पर। ये जो हमने निशान लगाया, ये लगाया आसन का, क्रोच एरिया का। दोस्तों, आपको जो भी पैंट बनानी है उसका आसन 11.5 इंच रखना है, उससे ना तो ज़्यादा रखना है और ना ही रखना है कम। दोस्तों, ये जो खिंचाव आता है आपका आसन की वजह से भी आ जाता है। उसके बाद ये जो हमने दो निशान लगाए हैं, इन दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से मिला देंगे और उसके बाद देखिए, जो हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया है, यहाँ से 1 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे और 2 इंच लगाएंगे यहाँ पर और उसके बाद इस निशान को भी इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, इस तरीके से निशान हमको लगा लेने हैं। दोस्तों, इसकी कमर है वो है 35 इंच की, तो यहाँ पर हम 35 इंच एक बार लिख देंगे और उसके बाद देखिए, यहाँ से जो हमारे किनार है इसको छोड़ते हुए हम लगाएंगे हमारी यहाँ पर कमर का निशान। दोस्तों, हमारी कमर 35 इंच की है और 35 का चौथा हिस्सा हो जाता है 0.9, तो यहाँ पर हम 0.9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। उसके बाद 1 इंच यहाँ पर जो दबाव में आ जाएगा हमारे, 0.5 इंच यहाँ पर आ जाएगा, 0.5 इंच इधर आ जाएगा, तो 1 इंच कपड़ा हमें उसके लिए चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों, ये लेडीज पैंट है, इसमें यहाँ पर एक ही प्लेट डाली जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल कपड़ा है हमारा वो है 11.5 इंच का। देखिए, यहाँ पर हमारा 11.5 है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ किनार पर एक निशान लगाना है और उसके बाद यहाँ से 11.5 इंच लेना है, जितना कि हमारा कमर में ऊपर आया था, यहाँ पर भी हमें 11.5 इंच का लेना है और उसके बाद यहाँ से 2 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हो गया 13.5। तो इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये हमारा निशान है, हम इसको यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे और उसके बाद ये जो हमारा निशान है इसको भी इस तरीके से मिलाएंगे। दोस्तों, जब भी आप लेडीज पैंट की कटिंग करें या जेंट्स की कटिंग करें, आपको यहाँ पर 1 इंच की डाउन देनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आप 1 इंच अगर और हल्का साइज है तो आप यहाँ पर 0.5 इंच इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ पर जो हमने इसको क्रॉस किया है, ये आपको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस क्रॉस करने से पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा टोटल है यहाँ पर 13.5, तो यहाँ से देखिए 13.5 का हो जाएगा 0.75, ये किनार को छोड़ते हुए 13.5 और 13.5 का हो जाएगा 0.75। यहाँ पर 0.75 इंच पर एक निशान लगा देंगे और उसके बाद जैसा कि हमारी मोरी है वो है 12 इंच की और 12 का आधा हो जाएगा 6 और 6 का आधा हो जाएगा 3। तो जो हमने दोस्तों ये सेंटर पर निशान लगाया है, यहीं से आप 3 इंच इधर ले लेंगे और 3 इंच ले लेंगे इधर। इस तरीके से निशान लगाने के बाद दोस्तों, हमारे पास एक सेफ पट्टी है, उस सेफ पट्टी से निशानों को आपस में मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास सेफ पट्टी है। एक पैंट को सही तरीके से और सेफ में लाने के लिए हमें इस सेफ पट्टी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, जो हमारे एल साइज पट्टी है इसी से सेफ देते रहे पैंट की और उनकी पैंट की फिटिंग सही नहीं बनती। देखिए दोस्तों, उस पैंट की सही फिटिंग बनाने के लिए आपके पास इस तरह की सेफ पट्टी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ से हम इस पट्टी को इस तरीके से बिछाएंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देख देंगे हमारी बॉटम जो कि 12 है, हमारे यहाँ पर थाइज का साइज जो कि 26 है। इस तरीके से देखिए हमें पैंट का जो निशान लगा रहे हैं, देखिए आप दोस्तों देख सकते हैं जिस तरीके से हमारी पैंट की निशानों में ही शेप आपको नजर आ रही है, बनने के बाद सेम शेप जो हमारी पहनने के बाद नजर आएगी जैसा कि हमारा बॉडी का साइज होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी मार्किंग कम्प्लीट हमने कर ली है और ये मार्किंग कम्प्लीट करने के बाद हम इन्हीं के ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों हम आपको बताते हैं ये जो हमने कपड़े बिछाए हैं एक साथ 4 लेयर में बिछाए हैं, यानी 4 फोल्ड हमने इसको किया है। अब हमें कटिंग इस तरीके से करनी है। हम कटिंग की जब भी शुरुआत करेंगे तो दोस्तों इधर से करेंगे, यहाँ से हम कटिंग की शुरुआत करेंगे और कटिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ से 2 कपड़े उठा लेंगे। ये देखिए एक किनारी हमारी हो गई, दूसरी किनारी हमारी हो गई, तो यहाँ से हम 2 ही किनारों की कटिंग करेंगे, बाकी 2 किनारे हैं उनको नीचे छोड़ देंगे। इस तरीके से देखिए दोस्तों ये हमने 2 किनारे ही काटे हैं, सिर्फ 2 किनारे हमने यहाँ से छोड़ दिए हैं और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से यहाँ से राउंड दे देंगे और उसके बाद सीधी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 2 पल्ले कटिंग कर लिए हैं और जो हमने पल्ले कटिंग किए हैं दोस्तों ये हमारा अगला वाला हिस्सा रह जाएगा। इस तरीके से कटिंग करने के बाद यहाँ से देखिए जो साइड का कपड़ा है हम इसको यहाँ से इस तरीके से हटा देंगे और इसको बिल्कुल अलग कर लेंगे इस तरीके से, और जो हमारी पैंट है हम इसको यहीं पर इसी तरीके से बिछी रहने देना है। उसके बाद हम लगाएंगे हमारे बैक वाला हिस्सा। बैक वाला हिस्सा कटिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ से एक निशान लगाएंगे बिल्कुल सीधा और उसके बाद यहाँ से देखिए जो हमने डाउन दी है हम यहाँ से लगाएंगे 2 इंच पर एक निशान। देखिए आपको 2 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा लेना है और दोस्तों 2 इंच यहाँ पर निशान लगाने के बाद यहाँ से जो हमारी स्केल है उस स्केल से इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरीके से। दोस्तों ये हमारा पिछला वाला हिस्सा की हम कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए जो भी हमने यहाँ पर अगला हिस्सा लिया है हमारा ये है 11.5। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से 2 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा और यहाँ पर भी दोस्तों हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यही साइज दोस्तों हम हमारी मोहरे में भी रखेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है हम आपको ही बताते हैं। दोस्तों जो हमारा हमने अगला हिस्सा काटा है ये हमारा फिक्स मेजरमेंट है बॉडी का, यानी हमारी जो फिटिंग होनी थी वो अगले हिस्से में हो चुकी है। अब हमें जो पिछले हिस्से में लेना है सिर्फ लेना है मार्जिन, क्योंकि दोस्तों 2 पल्लों को एक साथ जोड़ने के लिए 1 इंच का मार्जिन चला जाता है, 1/2 इंच एक हिस्से का और 1/2 इंच एक हिस्से का। तो इसी तरीके से दोस्तों 2 पल्ले हमारे ये हो जाते हैं और 2 पल्ले हो जाते हैं बैक वाले, तो टोटल हो जाते हैं 4 पल्ले और 4 पल्लों में अगर 1/2 इंच कपड़ा हमारा जाता है तो टोटल कपड़ा 2 इंच चला जाता है। इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। देखिए यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ भी 2 और नीचे की तरफ भी हमने 2 लिया है। दोस्तों आपको भी इसी तरीके से 2 इंच लेना है और दोस्तों अगर आप यहाँ से ज़्यादा लेंगे तो आपका जो पैंट लूज पड़ जाएगा, अगर आप इससे कम लेते हैं तो हो सकता है वो टाइट भी हो जाए। इस तरीके से निशान लगाने के बाद दोस्तों इन निशानों को हम यहाँ से मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो निशान है उनको लगा लिया है हमारे बैक वाले हिस्से के, अब इन्हीं निशानों के ऊपर से हम इनको कटिंग करेंगे। इस तरीके से साइड से कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमने तो पहले से ही हमारे अगले वाले हिस्से की कटिंग नहीं की थी, यहाँ से हम अगले और पिछले दोनों पल्लों की एक साथ कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने हमारे पैंट की कटिंग है जो बिल्कुल कर ली है। आपको भी सेम इसी तरीके से पैंट की कटिंग करनी है। आपने इसी तरीके से पैंट की कटिंग की दोस्तों आपको पैंट में कभी भी खिंचाव है जो बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ से जो गदरे में खिंचाव आता है बिल्कुल नहीं आएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर जब भी आप इस पैंट की सिलाई करेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है, आप जब भी यहाँ पर जो लास्ट की सिलाई लगाएं गदरे वाली, ये वाली जो लगाई जाती है अगले पिछले हिस्सों को एक साथ जोड़ने के बाद, यहाँ पर आपको किसी भी साइज के किसी भी पल्ले को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर आपको उसकी सिलाई लगानी है। यहाँ से भी बराबर आना चाहिए और यहाँ से बराबर आना चाहिए। दोस्तों अगर यहाँ से हमारी मैचिंग अलग हो जाती है, यानी जो जॉइंट होता है हमारा वो आगे पीछे हो जाता है तकरीबन 1 इंच के लगभग, और यहाँ से भी अगर हमारा कपड़ा 1 इंच बाहर निकल गया जोड़ते वक्त छोटा बड़ा हो गया, तो हमारे पैंट में 100% खिंचाव पड़ना है। दोस्तों सबसे बड़ा जो खिंचाव का कारण यही होता है, आपको इसी तरीके से पैंट की शेप लेनी है जिस तरीके से हमने दी है, और जब भी आपको सिलाई लगानी है आपको बिल्कुल पल्लों को बराबर रखना है, किसी पल्ले को घटाना बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कटिंग जिसमें हमने आपको बताया है आप साइड के पैंट के खिंचाव को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कटिंग से और सिलाई से। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपको हमारा तरीका बनाने का वो भी पसंद आएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कोई इसी तरह का अगला और नया टॉपिक लेकर जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।